हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बोटैनिकल वर्ल्ड। सो आज के इस लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट इकोलॉजी। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या होती है, क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और क्या सब डिविजन्स हैं इकोलॉजी के। ये सब जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल्स, लेट्स नो व्हाट इज़ इकोलॉजी। सो इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, सो एक इन्वायरमेंट में क्या होंगे, ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या होंगे, उस इन्वायरमेंट का लिविंग कंपोनेंट होंगे। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अगर वो प्रेजेंट हैं तो वो आपस में भी इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, चाहे एक कोई भी मान लो एरिया है, वहाँ पे जो है मान लो कि डॉग की स्पीशीज़ रह रही है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ सिर्फ डॉग की स्पीशीज होगी, वहाँ पर कैट्स की स्पीशीज़ भी होंगी, वहाँ पर अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे और बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज़ भी होंगी। ठीक है, तो इस तरह से वो जो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, जो भी कुछ भी रहेगा वो ऑर्गेनिज्म, तो वो आपस में इंटरेक्ट करेंगी करेंगे। उसके अलावा जो भी उस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं, लाइक जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट हो गए, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, लाइट हो गया, तो ये सब फैक्टर्स भी उनको अफेक्ट करेंगे। तो वो अपने जो है सर्वाइवल के लिए आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और क्या है, उनके इन्वायरमेंट के साथ भी उनका इंटरेक्शन होता है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है। और जब कोई ब्रांच जो है साइंटिफिकली अगर इन चीज़ों को स्टडी करती है तो वो क्या कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, सो इट इज़ अ साइंस दैट सीक्स टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। मीन्स एक ब्रॉड लेवल पे जो है इन चीज़ों को साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है। ठीक है, सो जो इकोलॉजी क्या है, इज़ डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। सो जो टर्म इकोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, ग्रीक वर्ड जिसमें ओइकोस, ठीक है, ग्रीक वर्ड ओइकोस जिसका मीनिंग होता है हाउस, एंड लोगोस जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। यानी कि ऑर्गेनिजम्स की उनके लिविंग इन्वायरमेंट में, उनके हाउस और उनके हैबिटेट में ही जो है स्टडी, जहां वो रहते हैं उसको क्या कह देते हैं, हम इकोलॉजी कह देते हैं। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ इकोलॉजी, सो देयर आर बेसिकली टू फैक्टर्स इन द इकोलॉजी टू स्टडी। ठीक है, अब कोई भी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट क्या, किन चीज़ों से बना होता है, जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके आउटसाइड जितना भी एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है, उसका इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, अब से इन्वायरमेंट में जो क्या होता है, एबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो हो गए जो कि इंसर्ट करेंगे, और दोज इनर्ट फैक्टर्स दैट विल एग्जर्ट और सम काइंड ऑफ अफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिजम्स लाइक इकोसिस्टम के अंदर, एज द लाइट, टेम्परेचर, केमिकल प्रोडक्ट्स, वाटर, एटमोसफेयर। ठीक है, इसके अलावा बायोटिक फैक्टर्स होंगे, यानी कि जितने भी लिविंग जो है ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग बींग्स उस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ इकोलॉजी होते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एज वी डिस्कस्ड, लाइट, वाटर, विंड, न्यूट्रिएंट्स इन दी सोइल्स, हीट, सोलर रेडिएशन, एटमॉस्फेयर, सारे के सारे क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में प्रेजेंस और को जो है वो अफेक्ट करेंगे। तो कुछ पर्टिकुलर जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऑर्गेनिज्म की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट्स होते हैं किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर उसका प्रेजेंस होने के लिए। ठीक है, तो हर जगह पे अलग अलग जो है तरह के जो है ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, लाइक अगर वी सी इन द डेजर्ट देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विच पोजेस डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ वी सी इन द कोल्डर एरियाज सो देर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दीज ऑल नॉन लिविंग फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्रेजेंस ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। सो लिविंग कंपोनेंट्स जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, ये लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। सो जो टर्म इकोलॉजी है, जो कंसेप्ट है इकोलॉजी का, वो फॉर द फर्स्ट टाइम जो है रेटर ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, रेटर, सो ही वाज द वन हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, कि जो भी
ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनकी इस तरह से इन्वायरमेंट के अंदर जो है उनकी प्रेजेंस को जो है इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप को स्टडी किया जाना। तो ये जो एक कंसेप्ट है इकोलॉजी का ये रेटर ने दिया था, बट पर्टिकुलरली दिस टर्म इकोलॉजी फॉर दिस रिलेशनशिप जो है वो जर्मन जूलॉजिस्ट अर्नेस्ट हेकल ने कॉइन की थी, ठीक है, इन 1866। सो जर्मन जूलॉजिस्ट अर्नेस्ट हेकल कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी फॉर दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। इसके अलावा जो है डैनिश बोटानिस्ट यूजीनियस वॉर्मिंग थे, उन्होंने भी जो है इकोलॉजी का आइडिया को एलेबोरेट किया था कि इसको जो है एक ब्रॉडर लेवल पे स्टडी किया जाना चाहिए। सो क्या बेनिफिट, एक तरह से अगर इकोलॉजी का को स्टडी करने से हमें पता होता है कि पर्टिकुलर अगर एरिया है यहाँ का, इस तरह का वेदर, इस तरह के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं यहाँ, तो हमें गैस कर सकते हैं कि यहाँ किस तरह के स्पीशीज़ पाए जाते होंगे, ठीक है। अगर हमें जब मान लो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का हमें पता है कि किस तरह के वहाँ पे जो है ट्रीज़ होते हैं, पूरी कैनोपी कवर करती है तो नीचे तक लाइट नहीं पहुँच सकती है, तो ऐसे ऐसे इन्वायरमेंट कंडीशन सिचुएशन वहाँ का टेम्परेचर और वेदर कंडीशन, किस तरह के ह्यूमिडिटी कंडीशन है, ठीक है, टेम्परेचर जो है किस तरह का है, तो हम गैस कर सकते हैं कि अगर हमें सब चीज़ों की नॉलेज होती है तो वहाँ किस तरह की प्लांट या ऑर्गेनिज्म जो है एनिमल स्पीशीज़ देखने को मिल सकती हैं। तो इसी तरह से जो है काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट होता है इकोलॉजी को स्टडी करना। सो इकोलॉजी का एक ब्रॉड डिसिप्लिन्स है जिसके अंदर बहुत सारे सब डिविजन्स है, मतलब सब डिसिप्लिन्स है, यानी कि इकोसिस्टम को जो है डिफरेंट पार्ट्स में एक तरह से डिवाइड करके स्टडी किया जाता है, तो इस तरह से उसके बहुत सारे सब डिविजन्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले क्या है, इको फिजियोलॉजी क्या होती है कि ये एग्जामिन करती है हाउ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो है ऑर्गेनिज्म के इन्फ्लुएंस द वे दे इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, बोथ द बायोटिक एंड द एबायोटिक फैक्टर्स। मींस अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो उसकी जो है कुछ एक नीड्स होंगी, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, इन सब की कंडीशंस की, अगर वो फुलफिल होती हैं तो वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, तो उसी के लिए जो है कुछ एक जो है मेटाबॉलिज्म वो जो है पोजेस करेगा, उसकी फिजियोलॉजी उसी के अकॉर्डिंग होगी जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी। तो ये चीज़ें जो है अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो किस तरह से ये वो अपने आप को अडेप्ट करने के लिए चेंज करता है, तो ये सब जो होती हैं चीज़ें जो अगर स्टडी की जाती हैं तो वो इको फिजियोलॉजी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बिहेवियरल इकोलॉजी की। तो बिहेवियरल इकोलॉजी क्या होती है कि जो रोल्स होते हैं ऑफ द बिहेवियर इन इनेबलिंग एन एनिमल टू अडेप्ट टू इट्स एनवायरनमेंट, मतलब वो सारे के सारे रोल्स जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को बिहेवियर को जो है इनेबल करेंगे कि वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सके, तो वो बिहेवियरल इकोलॉजी के अंडर आते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक सिंगल स्पीशीज़ की जो है पॉपुलेशन डायनेमिक्स को स्टडी करना, यानी कि उनके बर्थ रेट, उनके डेथ रेट, उनकी ग्रोथ रेट, ठीक है, इस तरह से उनके अबंडेंस को, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने जो है स्पीशीज़ अबंडेंट है या किस पर्टिकुलर एरिया में किस वजह से जो है कितनी कम है, तो ये जो सारे के सारे जो है पॉपुलेशन डायनेमिक्स की जो स्टडी होती है उसे हम पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है कम्युनिटी इकोलॉजी, ठीक है। कम्युनिटी इकोलॉजी और पॉपुलेशन इकोलॉजी का क्या है, ये जो हम मेन जो है सब डिविजन्स इकोलॉजी के जो है वो यही हैं, टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, जिसमें एक को हम ओटी इकोलॉजी कहते हैं, दूसरी सिन इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ओटी इकोलॉजी क्या होती है, ओटी इकोलॉजी क्या होती है, जब हम किसी भी एक ही स्पीशीज़ के बारे में जो है स्टडी करते हैं, ठीक है, उसी के इंटरेक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं तो वो ओटी इकोलॉजी कहलाती है, ठीक है। सिंगल स्पीशीज़ की जब पॉपुलेशन को हम स्टडी करते हैं ओटी इकोलॉजी कहलाती है, लेकिन अगर हम डिफरेंट पॉपुलेशंस को, अब ये तो नहीं है कि एक एनवायरनमेंट है वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ही स्पीशीज़, एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म और कुछ भी नहीं होगा, तो ठीक है, किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर क्या है बहुत सारी पॉपुलेशंस होंगी अलग अलग स्पीशीज़ की, तो वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उनके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो जब इकोलॉजिकल को हम कम्युनिटी लेवल पर स्टडी करते हैं, इंटरेक्शंस को, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशंस के इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, कम्युनिटी इकोलॉजी कहलाती है, ठीक है। अब इकोसिस्टम की इकोलॉजी क्या होती है कि अब इकोसिस्टम क्या होता है कि एक एनवायरनमेंट के अंदर जो है डिफरेंट ग्रो, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होगा जिसे हम पॉपुलेशन कहते हैं, और उसी एनवायरनमेंट में जो है एक ऑर्गेनिज्म के नहीं डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ की पॉपुलेशंस प्रेजेंट होंगी, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वो कम्युनिटी होगी। तो अब ऐसी ऐसी एक एनवायरनमेंट में बहुत सारी कम्युनिटीज़ प्रेजेंट होती हैं तो वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। तो अब देयर विल बी सर्टेन काइंड ऑफ जो है एनर्जी का फ्लो होगा, मैटर एक्सचेंज होगा थ्रू द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट, जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वगैरह सब कुछ होगा, तो वो सब स्टडी किस में होती है, जो फूड चेन्स, फूड वेब, हम इंटर रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, इकोसिस्टम इकोलॉजी कहलाती है।
उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ दी इकोलॉजी, ठीक है, ये सब जो है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट है सिस्टम इकोलॉजी। सिस्टम इकोलॉजी क्या होता है? इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि फोकस करता है अबाउट द स्टडी एंड डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम्स फ्रॉम द होलिस्टिक प्रोस्पेक्टिव से, जो है प्रस्पेक्टिव से अगर देखते हैं तो वो सिस्टम इकोलॉजी हो जाती है। लैंडस्केप इकोलॉजी क्या होती है? कि जब प्रोसेस एंड रिलेशनशिप को जो है इन्हें स्पेशली एक्सप्लिसिट मैनर में जो है हम डिस्कस करते हैं, मीन्स ठीक है इकोसिस्टम जो है स्मॉलर लेवल पे हो गया, अब जो है लार्जर लेवल पे जो हम उसको लैंडस्केप लेवल पे देखते हैं, तो अगर जब हम रिलेशनशिप और उन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है? लार्जर जब ज्योग्राफिक एरिया जहाँ पे मल्टीपल इकोसिस्टम्स प्रेजेंट होंगे तो वो उसकी स्टडी को हम जब वहाँ पे इन इंटरेक्शंस को हम स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? लैंडस्केप इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इवोल्यूशनरी इकोलॉजी क्या होगी? कि अब हमारा जो एनवायरनमेंट है एवर चेंजिंग रहा है और जैसे जैसे एनवायरनमेंटल कंडीशंस बदली हैं तो उनके अकॉर्डिंग अडेप्ट करने के लिए भी ऑर्गेनिज़म्स के अंदर भी जो है चेंजेस आए हैं, तो इसी तरह से चेंजेस होते होते जो है प्रोसेस से जो स्पीशीज हैं वो मॉर्फोलॉजिकली भी एंड जेनेटिकली भी जो है मॉडिफाई हुई हैं, तो ये क्या है? एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। तो जब हम जो है थ्रू द इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज ऑफ द स्पीशीज़ को चेंज करते हुए देखते हैं कि किस पर्टिकुलर टाइम में ऐसा कुछ इन्वायरमेंट था तो यहाँ ऐसी स्पीशीज़ होती तो ये उनकी जो है ग्रोथ की रिक्वायरमेंट्स थी और इस तरह से वो अडेप्टेड थी अपने इन्वायरमेंट में, फिर ऐसे ऐसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया, ठीक है। तो ये सब जब इवोल्यूशनरी हम एक हिस्ट्री एक तरह से देखने लग जाते हैं तब उस लेवल पर हम इंटरेक्शन जब स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है इवोल्यूशनरी इकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद होती है पॉलिटिकल इकोलॉजी कह सकते हैं। दिस इज नॉट एक्चुअली ए सब डिविजन बट इकोलॉजी का, लेकिन इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं, अब इन्वायरमेंट को जब हम स्टडी करते हैं, इकोलॉजी इंटरेक्शन को जब स्टडी करते हैं तभी हमें जो है प्रॉब्लम्स जो है पता चलती हैं कि क्या जो फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारा जो है इन्वायरमेंट या नेचर जो है स्पॉइल हो रही है और इसका अल्टीमेटली जो है वहाँ और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्या इफेक्ट होता है, तो इस सब को जो है चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस चीज़ पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी जो इन्वायरमेंटल की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जब ठीक है इट कनेक्ट्स टू द पॉलिटिक्स और जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं वो बिल्डअप कर की जाती हैं ताकि वो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकें और कंट्रोल कर सकें, और इकोलॉजी चेंजेस अगर अफेक्ट करता है उसके लिए कुछ एक रूल्स जो है बना सकें, तो ये सब क्या है? पॉलिटिकल इकोलॉजी कहलाती है, ठीक है। सो हेयर आर द लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। अब इकोलॉजी होती है तो उसके कुछ एक लेवल, जैसे हायरार्की हम लोगों ने टैक्सोनॉमी के अंदर हम हायरार्की पढ़ते हैं स्पीशीज़ लेके, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की जो डिफरेंट रैंक्स की होती है स्पीशीज़ जीनस ऑर्डर फैमिली ठीक है क्लास, इसी तरह से क्या होता है डिफरेंट लेवल्स होते हैं इकोलॉजी के अंदर, तो ये एक हायरार्की होती है, ठीक है। सो बेसिक से लेके जो है लार्जर लेवल तक, तो इसमें क्या होगा हमारा सबसे बेसिक लेवल क्या होता है? इंडिविजुअल होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद होता है नेक्स्ट पॉपुलेशन, फिर पॉपुलेशंस के अंदर इंटरेक्शन होते हैं कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद होता है इकोसिस्टम, ठीक है। और इकोसिस्टम जो है फिर जो है बहुत सारे हों तो बायोम, एंड अपर मोस्ट जो है लेवल जो हो जाएगा वो क्या होगा? बायोस्फीयर होता है, ठीक है। सो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या ये लेवल ऑफ जो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स ऑफ इकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले हम बात करें कि इंडिविजुअल की, ठीक है, इंडिविजुअल की या फिर उसे हम कह सकते हैं स्पीशीज़ भी। तो सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पीशीज सिंगल ऑर्गेनिज्म जो इंटरेक्ट करेगा अपने एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, इट विल अफेक्ट इट्स एनवायरनमेंट एंड इट विल गेट अफेक्टेड बाय इट्स एनवायरनमेंट, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा इंडिविजुअल कहलाएगा। अब इसी तरह जो है सिमिलर इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप हो जाएगा, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स दैट सक्सेसफुली कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसे ग्रुप इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो कि आपस में एक साथ जो है दे इनहैबिट ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, आपस में जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं और दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि उनके जो है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो भी फर्टाइल होने चाहिए, तो वो क्या कहलाती हैं? स्पीशीज़ कहलाती हैं, ठीक है। सो इसी तरह से जो है एक ग्रुप ऑफ जो है सिमिलर स्पीशीज़ जिसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहलाएंगे। तो ये जो क्या होता है बेसल जो है लेवल ऑफ
इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जैसे स्पीशीज ऑफ फ्रॉग हो गया, स्पीशीज ऑफ वाटर फ्रॉग कह सकते हैं, स्पीशीज ऑफ रेड आई ट्री फ्रॉग हो गया, ठीक है, स्पीशीज ऑफ हॉर्सेज हो गया, या फिर हम प्लांट्स के केसेस में बात करें तो जो है स्पीशीज ऑफ पर्टिकुलर प्लांट के, अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की हम बात करें तो कोई भी एक फ्लावरिंग प्लांट की जो है स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट हो जाएंगी। यानी कि जैसे कि हम बात करें कि स्पीशीज ऑफ फॉलेनम निग्रम जो है एक स्पीशीज है, ठीक है, इसी तरह से कहें पॉपुलेशंस इज मेड अप ऑफ मैनी ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पीशीज दैट लिव इन द सेम एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जो बहुत सारे एक स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स होंगे वो कलेक्टिवली क्या फॉर्म करेंगे, एक पॉपुलेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, दे विल कम्पीट विद ईच अदर फॉर द फूड शेल्टर स्पेस एंड द मेट्स। सो इस प्रोसेस में वो क्या है, दे विल गेट बी अफेक्टेड, सर्टेन काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन होती हैं जो उनके सर्वाइवल को अफेक्ट करेंगी वहाँ पे, और वो भी अपने इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो वो इंटरेक्ट करते हैं इस तरह से। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ बैट्स वी कैन से इन द केव, और पॉपुलेशन ऑफ द स्टूडेंट्स जे स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। ठीक है, नेक्स्ट लेवल है वो क्या है, कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होगी कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक सिंगल ही इंडिविजुअल की पॉपुलेशन नहीं होगी, सिंगल स्पीशीज़ की, बहुत सारी पॉपुलेशंस प्रेजेंट होंगी अलग अलग स्पीशीज़ की। सो मैनी ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन दैट इंटरेक्ट विद इन एन एरिया विद देमसेल्व्स एंड विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट के अंदर क्या होती है, पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज होगी, पॉपुलेशन ऑफ मशरूम्स प्रेजेंट हो सकती हैं, पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स होगी। ठीक है, इसी तरह से पर्टिकुलर किसी भी एनिमल्स की, किसी लेक के अंदर बात करें तो पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट होंगी, पॉपुलेशन ऑफ फिशेज भी प्रेजेंट होंगी उसी सेम पॉन्ड के अंदर, और पॉपुलेशन ऑफ इकोलॉजी भी प्रेजेंट होगी। यानी कि बहुत सारे मेंबर्स जो हैं एल्गी के प्रेजेंट, बहुत सारे मेंबर्स जो हैं एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फिश के प्रेजेंट होंगे, पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट के बहुत सारे इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होंगे, तो ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर उसमें प्रेजेंट हैं तो इन्वायरमेंट में, लेक में या फॉरेस्ट में, तो क्या बनाएंगे वहाँ, क्या कहलाएंगी ये चीज़ें, एक लेक या फॉरेस्ट क्या कहलाएगा, एक कम्युनिटी कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है अलग अलग इन स्पीशीज़ की डिफरेंट पॉपुलेशन प्रेजेंट है जो कि इंटरेक्ट कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अनदर लेवल इज इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम क्या होगा, वो जो है इंक्लूड करेगा ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया एंड ऑल द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट अफेक्ट इट। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स प्लस, सो इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस हो जाएगा कि इकोलॉजी के अंदर क्या होता है, इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग कंपोनेंट हो गया प्लस जो है नॉन लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट होंगे और किससे इंटरेक्ट करेंगे, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, और इकोसिस्टम के केस में क्या होगा, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट होंगे के बारे में हम बात करें, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो इसके केस में हम जो है उस चीज़ को इकोलॉजी के बारे में, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली जो अपने एनवायरनमेंट के साथ जो है इंटरेक्ट करते हैं उस चीज़ को हम इकोसिस्टम कहेंगे, और इकोलॉजी में वो आपस में जो है लिविंग कंपोनेंट्स यानी कि जो अदर ऑर्गेनिज्म उनके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया एक तरह से। सो इकोसिस्टम क्या है, एक पार्ट ऑफ इकोलॉजी है। सो फॉर एग्जांपल जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर क्या होगा कि ग्रास भी प्रेजेंट है, ठीक है, सोइल भी प्रेजेंट है, विंड भी प्रेजेंट है, सनलाइट, ये जो है सारे के सारे जो है फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, और ये जो है वहाँ की जो भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे उनको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेंगे, उनकी अबेंडेंस को या उनकी पर्टिकुलर प्रेजेंस को या एबसेंस को शो करेंगे, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया। अब ओशियन इकोसिस्टम है तो उसमें क्या होगा, फिशेज, कोरल, रॉक्स, ठीक है, एट द बॉटम, और टेम्परेचर ऑफ वाटर है, ये सब कुछ जो है अफेक्ट करता है, तो इस ये क्या कहलाएगा, एक ओशन इकोसिस्टम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया और वहाँ का सारे के सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स जिनके साथ डील करना है पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, इकोसिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हायर लेवल होता है इकोसिस्टम के बाद होता है बायोस्फीयर, यानी कि द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट सपोर्ट्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ऑल ऑफ द अर्थ इकोसिस्टम। ठीक है, मतलब जो भी लिविंग पोर्शन, जहाँ भी जो भी लाइफ जो है सपोर्ट करता है वो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है, यानी कि एटमॉस्फेयर भी
हाइड्रोस्फेयर भी, लिथोस्फेयर भी, ये सारा कुछ क्या है जो भी सपोर्ट करते हैं लाइफ को, वो अर्थ का वो पार्ट क्या कहलाता है, बायोस्फेयर कहलाता है। ठीक है, मेड अप ऑफ वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स एंड द एयर्स। ठीक है, सो एटमोसफेयर हमारा जो भी एटमोसफेयर प्रेजेंट है, जहाँ डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है हमारी, और हाइड्रोस्फेयर यानी कि जितना भी वाटर बॉडीज अर्थ पे प्रेजेंट है, लिथोस्फेयर जितना भी सॉइल्स सरफेस जो भी प्रेजेंट है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ को सपोर्ट करते हैं वो, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग मैटर जो भी अर्थ पे प्रेजेंट है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फेयर बनाते हैं। यानी कि डिफरेंट जितने भी इकोसिस्टम्स प्रेजेंट हैं वो सारे जो हैं मिलके क्या बनाएंगे, एक बायोस्फेयर बनाएंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द स्पीशीज, और वी कैन से इंडिविजुअल टू द पॉपुलेशन टू कम्युनिटी टू इकोसिस्टम एंड द बायोस्फेयर। नेक्स्ट है हमारे पास जो है स्कोप ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, स्कोप ऑफ इकोलॉजी, अब इकोलॉजी क्या होती है, सेवरल लेवल्स पे है इन इंटरेक्शन को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड इन बायोकेमिस्ट्री के अंदर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, की जो है किस तरह से पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर किस तरह के प्रोटीन या ये सब कुछ प्रेजेंट होता है, किस तरह से जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग वो जो है चेंजेस आते हैं, तो इन सब के अंदर सेलुलर लेवल पे हम सेल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म्स को, जूलॉजी, बॉटनी के अंदर। सो ये सारे के सारे जो अदर डिसिप्लिनस हैं किसी ना किसी वे से इकोलॉजी के साथ कनेक्टेड होते हैं। सो फाइनली एट द लेवल ऑफ पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड द इकोसिस्टम, विच इज़ द सब्जेक्ट्स ऑफ इकोलॉजी, हम लोग स्टडी करते हैं सेवरल लेवल्स को। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ इट्स फोकस ऑन द ब्रॉडेस्ट लेवल ऑफ द लाइफ एंड ऑन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी जो है ड्रॉज हैवली ऑन द अदर ब्रांचेज ऑफ द साइंस, सच एज जियोलॉजी, ज्योग्राफी, मीट्रोलॉजी, पीडोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। सो इन सब की जो है नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट जो है पड़ती रहती है, तो इस तरह से इकोलॉजी की जो है इनसे भी जो है कनेक्टेड होती है। ठीक है, जैसे कि बिहेवियरल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज हम स्टडी करते हैं, तो उसके अंदर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल कि किस तरह से अगर स्टडी ऑफ क्वीन भी करते हैं तो हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे जो है ये रिलेट करती है वर्कर बीज के साथ एंड द ड्रोन्स के साथ। ठीक है, किस तरह से जो है उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, किसका क्या रोल होता है। ठीक है, सो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है स्पीशीज़ की, तो वो किस तरह से जो है इन्वायरमेंट को बेनिफिट या जो है हार्म पहुँचाएंगे, तो इसीलिए जो है कि बीज क्या करती हैं, हेल्प करती हैं द पोलिनेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हेल्प करती है, और उसके बाद क्या होती हैं जब फ्लावर्स कल्ट से इनको क्या मिलता है, इनको नेक्टर मिलता है, ये अल्टीमेटली क्या होती हैं बी हाइव्स के अंदर जो है हनी प्रोड्यूस करती हैं, जो कि अदर स्पीशीज़ के थ्रू कंज्यूम किया जाता है बाय द बियर एंड द ह्यूमन बींग्स जो है कंज्यूम किया जाता है, तो इस तरह से इनकी एक तरह से इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सो जो कॉन्सिक्वेंसेज है ऑफ द इन्वायरमेंट चेंज ऑन द बी एक्टिविटी वो स्टडी किया जाएगा। ठीक है, कि अगर क्या इन्वायरमेंटल अगर चेंजेस जिस कंडीशन में होती है वहाँ चेंजेस होते हैं, उन बी के एक्टिविटी जो है किस तरह से अफेक्ट होएंगी। सो बीज में डाई आउट ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, अगर बीज डाई करेंगी तो क्या है पोलिनेशन डिक्लाइन होगा, पोलिनेशन अगर डिक्लाइन होगा तो क्या है अल्टीमेटली जो है फ्लावर्स जो है वो प्लांट्स रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह से जो है इन्वायरमेंट द सेम टाइम जो है बोथ अफेक्ट होगा एंड इस कॉन्सिक्वेंस जो है ऑफ दिस एक्टिविटी क्या होंगे। सो इट इज दस इंटरवींड है ये सारा का सारा ना, कि अगर इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है तो बी की एक्टिविटी अफेक्ट होगी, बी की एक्टिविटी अगर अफेक्ट होती है अल्टीमेटली फिर से प्लांट लाइफ पे आएगी, और प्लांट लाइफ अफेक्ट होती है तो क्या है सारे ऑर्गेनिजम्स की लाइफ अफेक्ट होती है, और अगर वो कहीं से जो है रुइन होते हैं तो अल्टीमेटली क्या है इन्वायरमेंट भी रुइन होगा। तो ये सारे के सारे रिलेशनशिप क्या हैं, सर्वाइवल जो स्पीशीज़ का एक तरह से इंटरवींड होता है। ठीक है, सो इसी तरह से जो क्या है ये अदर ब्रांचेस के साथ जो इसका रिलेशन है और जो हेल्प जो है इकोलॉजी को और इकोलॉजी की स्टडी से जो अदर ब्रांचेस के अंदर जो है हेल्प मिलती है, तो वो क्या है स्कोप ऑफ इकोलॉजी इस तरह से प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको स्पीशीज़ और इन सब का जो है पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि स्पीशीज़ तो क्या हो गया कि पर्टिकुलर किसी भी कोई भी जैसे डॉग की स्पीशीज़ है। ठीक है, तो अगर एक एरिया के अंदर जो है बहुत सारे डॉग्स प्रेजेंट है, यानी कि ये सारे के सेम काइंड के इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, तो इन्होंने क्या बना ली, एक पॉपुलेशन बना ली है। ठीक है, और इसी तरह से क्या है कि अगर इसके साथ साथ ए स्पीशीज़ के साथ साथ एक ग्रुप ऑफ बी स्पीशीज़ बी पॉपुलेशन भी प्रेजेंट है, ग्रुप सी पॉपुलेशन भी प्रेजेंट है,
तो ये क्या कहलाएंगी, ये सारी कम्युनिटी जो है वो डिफरेंट पॉपुलेशन अगर इंटरेक्ट कर रही है पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में तो वो क्या हो जाएगी, कम्युनिटी कहलाएगी। ठीक है, तो ये लेवल क्या था, पॉपुलेशन था, और ये लेवल जो है क्या है, कम्युनिटी लेवल हो गया। तो ये जो है डिफरेंसेस होता है बिटवीन द इंडिविजुअल पॉपुलेशन एंड द कम्युनिटी। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द इकोसिस्टम, इट्स टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, एंड द सोइल प्रोफाइल, हाउ द डिफरेंट फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट लाइक टेम्परेचर इट अफेक्ट्स द प्लांट्स, एंड हाउ द प्लांट्स एंड आर अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट, वॉट करेक्टरिस्टिक्स दे पोजेस इफ दे आर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट लाइक हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स। ठीक है, सो वी विल डिस्कस इन अपकमिंग लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।